नमस्ते। आज हमारा वीडियो संविधान का, आज पढ़ेंगे भारत की अनुसूचियाँ। ये 12 अनुसूचियाँ हैं, इम्पोर्टेंट है सारी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो देखते हैं एक करके। देखो अनुसूचियों के बारे में, मूल अनुसूचियाँ भारत में जो मूल अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है? 8। अगर मूल अनुसूचियों की बात करी जाए तो 8 मूल सूचियाँ आती है, जबकि वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या पूछी जाएगी वो है 12। ठीक है, तो इस तरह हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। अब इन 12 को पढ़ेंगे हम एक एक करके, कौन सी अनुसूची में कौन सा उल्लेख मिलता है इसकी जानकारी मिलेगी। अब देखो पहली अनुसूची क्या कहती है कि भारत संघ के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, इसमें भारत संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे नए राज्यों का गठन करना, नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना इस तरह से। अगली अनुसूची आती है दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है, मतलब सभी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है इस दूसरी अनुसूची में। उसके बाद में आती है तीसरी अनुसूची, इसमें भी सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि सभी राज्यों के सीटों का आवंटन किया जाता है। और उसके बाद में आती है पांचवी अनुसूची, इसके अंदर बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के अंदर वहाँ के प्रशासन और वहाँ के नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आती है हमारे छठी अनुसूची, इसके अंदर भी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हुआ है, पर इसके अंदर 4 राज्यों का हुआ है, वो है जैसे ए से तो है असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। इन सभी 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान मिलता है, यहाँ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आते हैं हमारे सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण के संबंध में 3 सूचियाँ बांटी गई है। 3 सूचियाँ हैं, एक है रसन सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों को लिया गया है 7वीं अनुसूची के अंदर, और यहाँ पे विषयों के वितरण के संबंध में उल्लेख हुआ है। उसके बाद में आती है 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त करी गई है संविधान के अंदर। उसके बाद में आती है 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिकरण और संपत्ति के अधिकरण का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दल बदल के संबंध में प्रावधान मिलता है 10वीं अनुसूची में। उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सभी जो 29 कार्य किए जाते हैं उनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में मिलता है। जो पंचायत संस्थाओं के जो मतलब कार्य किए जाते हैं 29 कार्य वो मिलते हैं 11वीं अनुसूची में। उसके बाद में आती है लास्ट हमारी 12वीं अनुसूची, इसके अंदर भी 11वीं अनुसूची जैसा ही है, पर इसके अंदर नगर निकायों में किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख मिलता है, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही हर बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।